अस्सलामुअलैकुम। आज हम मैं बना रही हूँ नमकीन गोश्त। नमकीन गोश्त बनाने का तरीका ये है कि आप गोश्त में पानी डाल के उसमें नमक, थोड़ा सा हल्दी और साबुत गरम मसाला डाल के इसको आधे घंटे के लिए प्रेशर कुकर लगा के छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद हमने ये कुकर खोला है तो गोश्त बिल्कुल गला हुआ है। ये देखिए बोटियाँ बिल्कुल इस तरह हैं, बिल्कुल गोश्त गल गया है। अब हम आगे का बताएंगे किस तरह इसको हमने पकाना है। अब ये हमने अलग कढ़ाई में सारा गोश्त डाल दिया और थोड़ा सा ताकि इसका पानी सब जो है ना सारा खुश्क हो जाए, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया। अभी पानी खुश्क हो जाएगा तो इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे और ऑयल डाल के इसको भून लेंगे तो, और उसके बाद इसके ऊपर कोयले का दम दे देंगे तो बहुत ही आसान सा ये नमकीन गोश्त है और बहुत मज़े का बनता है। तो ये मैं आगे आपको इसकी फुल पिक्चर दिखाऊंगी कि किस तरह बना। ये पानी बिल्कुल ड्राई हो गया था तो इसमें हमने ऑयल डाला है और इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च काट के डाली है 2-3 अदद और इसमें काली मिर्च भी डाली है। इससे बहुत ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आएगा। नमकीन गोश्त हमारा रेडी हो गया। इसके ऊपर हम कोयले का धुआं देंगे और रोटी के ऊपर कोयले रख के, और इसके ऊपर कोयले को बहुत अच्छी तरह गर्म कर लेना है पहले, फिर इसके ऊपर रोटी रखेंगे गोश्त के ऊपर, फिर उसके ऊपर कोयला रखेंगे और कोयले के ऊपर थोड़े से 2-3 ड्रॉप्स हम ऑयल की डालेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा धुआं होने लगेगा। तो उसके बाद फौरन हम उसके ऊपर ढक्कन रख देंगे जिससे वो जो कोयले की एक फ्रेगनेंस और उसकी बहुत ज़बरदस्त स्मेल होगी वो उसके अंदर आ जाएगी और खाने में वो बहुत ही ज़बरदस्त सा उसका टेस्ट आएगा। ये हमने रोटी का एक पीस रख दिया, ये देखें। अब इसके ऊपर हमने गरम कोयला, बिल्कुल बहुत ज़्यादा दहकता हुआ कोयला है वो रखा। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल या घी जो भी है आपके पास अवेलेबल वो आप डालेंगे। ये देखें इस तरह धुआं निकलेगा, फौरन हमें ढक्कन रख देना। ये हमारा नमकीन गोश्त बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखें इसी फाइनल हो के, और इसको हम नींबू निचोड़ के आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं और वैसे भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताइएगा आपको कैसा लगेगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।